परमेश्वर का प्रेम एक मसीह के जीवन का आधार होता है और मसीह के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसके प्रेम को जाने और समझे। परमेश्वर का प्रेम क्या, उत्पत्ति से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम के लिए आदम की वाटिका की रचना की, यह है परमेश्वर का प्रेम। और जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया, लेकिन निकालने से पहले क्योंकि आदम और हव्वा नंगे थे, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मेमने के वस्त्र पहनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, यह है परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। और इस नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर का प्रेम हमें यीशु मसीह के जरिए मिला, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का बलिदान किया ताकि हम पापों से शापों से मुक्त हो जाएं। अद्भुत प्रेम है मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। और बाइबल चाहती है, परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्रेम को समझें, आज उस प्रेम को जानें आप, क्योंकि वो प्रेम अगर हमारे अंदर है, मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, अगर आपने उस पिता के प्रेम को समझ लिया, अगर आपने उस पिता के प्रेम को अपना बना लिया, अगर आप उस प्रेम के मुताबिक अपने जीवन को बिताने लगे मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूं कोई भी परीक्षा आपको बेचैन नहीं कर पाएगी, कोई भी आजमाइश आपके अंदर डर नहीं ला पाएगी, कहीं भी कोई भी रिश्ता आपको बेचैन और व्याकुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। परमेश्वर के प्रेम में बहुत शक्ति है। परमेश्वर के का प्रेम है जो हमें बताता है कि हमें कैसे इस धरती पर रहते हुए अपने जीवन को बिताना है। हम लोग क्यों परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के लिए हमेशा हमारी इच्छा होती है। हम बीमार होते हैं तो हम बीमारी में परमेश्वर के प्रेम को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को सामर्थ को देखना चाहते हैं जिसकी वजह से हमको चंगाई मिले। हम परमेश्वर के उस सामर्थ को देखना चाहते हैं अपने जीवन में जिसकी वजह से हमें नौकरी मिले, हमारा धंधा अच्छा चले। हम ये नहीं चाहते कि उस धंधे मिलने में जो परमेश्वर का प्रेम है वो हम देखें। परमेश्वर के प्रेम की खोज में रहेंगे जब आप मेरे बहन मेरे भाई, तो आप पाएंगे। और परमेश्वर, मैं आपको बता दूं, रोज आपसे प्रेम करता है, रोज आपके लिए चंगाई करता है, रोज आपके जीवन में चमत्कार करता है, रोज। अदन की वाटिका में अगर हम परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहते हैं तो हम इससे देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए अदन की वाटिका को सजाया। इतना प्रेम किया आदम से, रोज सुबह स्वर्ग से उतरकर अदन की वाटिका में दिन भर आता था परमेश्वर और आदम से मिलता था। प्रेज द लॉर्ड, उसे समझाता था, उससे सहभागिता करता था, उसके संग चलता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, तो परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। लेकिन निकालने से पहले उसने फिर प्रेम किया, और क्या प्रेम किया कि जब वो नंगा था तो उसे मेमने के वस्त्र पहनाए, मेमने के खाल पहनाई उसने। प्रेज द लॉर्ड, ये है परमेश्वर का प्रेम। मेरे दोस्तों, हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है। अगर हम समझना चाहते हैं तो भजन संहिता में 139 में 1, 2, 3, 4, 5 में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के प्रेम को हम पूरी ईमानदारी से हम समझ सकेंगे। हमारी बच्ची ये पढ़ेगी वचन और आप सुनिएगा। पढ़िए बेटा। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है। प्रेज द लॉर्ड। भजनकार क्या कह रहा है यहाँ पर? उसने उस प्रेम को जान लिया है। भजनकार कहता है कि यहोवा, तूने मेरा उठना बैठना दोनों जान लिया है। सोचिए आप परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपको, कि आपका उठना बैठना वो जानता है। आप किस सोच से बैठ रहे हैं, आप किस सोच से उठ रहे हैं, आप क्यों चल रहे हैं, हर चीज वो जानता है, क्योंकि उससे उसको वो आपसे प्रेम करता है। आगे बेटा। तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आमेन, हालेलुया। क्या परमेश्वर है, वो कहता है कि तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे मन में कौन से विचार आने वाले हैं, मैं कौन से विचारों को समझने वाला हूँ, मैं किन विचारों के द्वारा अपने मन को व्यक्त करने वाला हूँ, कौन सी वाणी बोलने वाला हूँ, कौन से विचार मुझे डिस्टर्ब करेंगे, कौन से विचार मुझे आनंदित करेंगे, कौन से विचार आने वाले हैं, तू जानता है। हेलो। और इतना प्रेम करता है, तू हर चीज जानता है, फिर भी हम व्याकुल हो जाते हैं।
फिर भी हम अचंभित हो जाते हैं, डर जाते हैं अपने जीवन में। जरा सी बात होती है, जरा सी मोड़ आता है, जरा सा हमारे जीवन में कुछ भी परीक्षा आती है और हम डर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, यही डर हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, यही डर हमें परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में समझने नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी का तीसरा वचन आप देखिएगा, बहुत प्यारा वचन है, पढ़िए बेटा। तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है। आमीन, आमीन, आमीन। कितना परमेश्वर प्यारा है। तू मेरे लेटने और चलने की छानबीन करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब रात को, याद है आपको, जब आप सोते हैं, जब अपने बिस्तर पर बैठते हैं, आपका एक दाहिना हाथ अपने आप आपके चादर पर चला जाता है, याद है आपको, और उस चादर पर आपका हाथ जाता है और अपने आप अपने चादर को, अपने बिस्तर को खंगालते हैं, कहीं कुछ गंदा तो नहीं है, कहीं कुछ कंकड़ तो नहीं है, कहीं कुछ धूल तो नहीं है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन देता है आपको बुद्धि, कौन देता है आपको समझ? परमेश्वर। क्योंकि ये परमेश्वर है जो अपने प्यार के द्वारा इतना आपसे प्यार करता है कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा जब अपने रात को सोए, अपने बिस्तर पे सोए मेरा बच्चा, तो आशीष पाए, सुख की नींद सोए, एक भी कंकड़ उसको चुभे नहीं, एक भी कांटा उसको चुभे नहीं, वो आराम से अच्छी नींद सोए और आशीष पाए। सोचिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। चौथा वचन हम देखेंगे, बहुत अच्छा वचन है, पढ़िए। इसके पूर्व कि कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा, तो उसे पूरी रीति से जानता है। आमीन। इससे पूर्व कि कोई बात मेरे जीभ पर आए, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जीभ पे आने से पहले वो जानता है। क्यों? क्योंकि कौन सा विचार आपके अंदर आने वाला है वो जानता है। अभी आपने पढ़ा दूसरे वचन में कि कौन सा विचार आपके मन में आने वाला, वो जानता है। इसलिए वो कहता है इससे पूर्व, इससे पहले कि तू कुछ बोले, वो जानता है कि तू क्या बोलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए मेरे भाई मेरी बहन, इतना प्रेम कौन करेगा? हर पल आपकी ओर उसकी दृष्टि है, हर पल वो आपको निहार रहा है, हर पल वो आपको जांच रहा है, हर पल वो आपको देख रहा है, हर पल वो आपके साथ रहना चाहता है, हर पल वो आपको बताना चाहता है, हर पल वो आपसे बातें करना चाहता है। ऐसा पिता मिलेगा आपको? ऐसा परमेश्वर मिलेगा आपको? यही नहीं मेरे भाई, उसने आपको पाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। उसने आपके सुख के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए अपने उस पुत्र के ऊपर सारे पापों को डाल दिया जो कि पाप रहित था, जिसको पाप के बारे में पता भी नहीं था, जो नहीं जानता था कि पाप किसे कहते हैं, उसको पाप ठहरा दिया परमेश्वर ने आपके लिए, ताकि आप उसकी धार्मिकता बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे परमेश्वर के प्रेम को हमें जानना जरूरी है, ऐसे परमेश्वर के प्रेम को हमें अपना बनाना जरूरी है, ऐसे परमेश्वर के प्रेम के अनुसार चलना जरूरी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस प्रेम के साथ चलने में हमारा जीवन अद्भुत सुख और आनंद से भर जाता है। आज मैं आपको दो लोगों के बारे में बताने वाला हूं, रूथ के बारे में। रूथ एक ऐसा करैक्टर है, मैं जब भी रूथ की पुस्तक पढ़ता हूं मैं भाव विभोर हो जाता हूं, कितना अच्छा करैक्टर है। रूथ जो कि मुआबिन थी, जो कि अन्य जाति से संबंधित थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर को जाना, मुझे रूथ के जीवन से बहुत अद्भुत चीजें समझ में आती हैं और अद्भुत चीजें मुझे लगती हैं। उसके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम था वो मुझे बहुत चौंका देता है। किस तरीके से रूथ ने परमेश्वर के बारे में जाना, और सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको समझिए कि जितना वो परमेश्वर को जान रही थी, उसके जो भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक उसके रिलेशंस हैं, जो भी उसके पास आशीषें थी, भौतिक आशीषें, वो सारी खत्म होती गई। हेलो, ध्यान से समझिए, रूथ जितना परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रही थी, जितना परमेश्वर के वो करीब आ रही थी, उसका भौतिक आशीषें खत्म हो रही थी। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। नोमी और एलीमेलेक एक पति पत्नी बैतलहम में रहते थे और उनके दो पुत्र थे, महलोन और किल्योन।
बैतलहम में अकाल पड़ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बैतलहम में जब अकाल पड़ा तो ये परिवार ऐसी स्थिति में आ गया कि इनको बैतलहम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम मोआब जाते हैं। मोआब एक ऐसा देश था, मोआब एक ऐसी जाति है जो अशुद्ध है, क्योंकि मोआब जाति किससे पड़ी है, किसका नाम पड़ा है, लूत और उसकी बड़ी बेटी के संबंध से जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम मोआब था, तो वो अशुद्ध जाति गिना जाता था। लेकिन इस समय समस्या ये थी कि बैतलहम में अकाल पड़ गया था, तो नहोमी और एलीमेलेक अपने दोनों बच्चों के संग मोआब में आ गए, प्रेज द लॉर्ड। और मोआब में आकर वो कुछ दिन रहे, एलीमेलेक की डेथ हो गई और दोनों बच्चे महलोन और किल्योन, जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो नहोमी ने उनकी शादी कर दी मोआबी लड़कियों से, उनमें से एक का नाम था ओर्पा और एक का नाम था रूथ। ये जो परिवार था, नहोमी का परिवार था, ये परमेश्वर के चरणों में समर्पित था और ये परमेश्वर का दीवाना था, ये परमेश्वर के वचनों पे चलता था, ये परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर की कृपा को रोज महसूस करता था, ये परमेश्वर के प्रेम में था, इनके जीवन से परमेश्वर का प्रेम कोई भी देख सकता था। और इसने किल्योन ने, महलोन ने और नहोमी ने इन दोनों बहुओं को जो मोआबी थी उन दोनों को परमेश्वर के बारे में बताया, ओर्पा को और रूथ को, हालेलुया, और बताते रहे कि साहब हमारा परमेश्वर क्या है, कौन है। उन्होंने मिस्र के बारे में बताया, किस तरीके से जब इजरायली मिस्र के साथ गुलामी में थे, किस तरीके से परमेश्वर ने मिस्र से इसराइलियों को बचाया, किस तरीके से लाल समुद्र पार करके उसने पूरी इसराइलियों को लाल समुद्र पार करके लेकर आया, और किस तरीके से कि लाल समुद्र के बीचों बीच मिस्री मारे गए, हालेलुया। किस तरीके से परमेश्वर ने 40 साल तक मन्ना खिलाया, किस तरीके से परमेश्वर ने बादल का खंभा बनकर रात दिन भर सूरज से उनकी रक्षा की, छांव देता रहा, हालांकि तकरीबन 8-9 लाख लोगों को छांव देता रहा, और किस तरीके से परमेश्वर आग का खंभा बनकर रात भर उनको रोशनी देता रहा, हालेलुया। किस तरीके से हम, बाइबल बताती है कि मूसा के साथ परमेश्वर आता था, उनसे बातें करता था, हालेलुया। यू नो, परमेश्वर का जो प्रेम है वो अद्भुत था, और ये प्रेम किल्योन ने, नहोमी ने रूथ के अंदर डाला, और रूथ उस प्रेम के साथ पलती रही, रूथ उस प्रेम के संग बड़ी होती रही कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। ऐसा भी परमेश्वर होता, क्योंकि वो तो जानती नहीं थी कि परमेश्वर है क्या। मेरे भाई, आप भी नहीं जानते थे जब आप प्रभु में नहीं आए थे, आप अभी भी नहीं जानते क्योंकि आप चमत्कारों के पीछे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर के प्रेम के पीछे जाएं कि परमेश्वर का प्रेम कितना अच्छा है। हर पल हर क्षण परमेश्वर हमें संभालता है, हर पल हर क्षण परमेश्वर हमारी सुधी लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे साथ रहता है, इसलिए उसने हमें अपना मंदिर बनाया है, इसलिए उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है ताकि हम पवित्रता के संग उसका जीवन बिता सके। ये सारी बातें जब रूथ को पता लगी, हालेलुया, रूथ को लगा कि मेरा एक पिता मुझे मिल गया है, मुझे प्रभु मुझे मिल गया है, ताकि वो प्रभु मुझे संभालेगा, वो प्रभु मुझसे प्रेम करता है। और वो प्रेम क्यों रूथ के अंदर आया, क्योंकि वो किल्योन में, नहोमी ने, महलोन में वो प्रेम को देखती थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, आप जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, क्या आपके चरित्र में यीशु दिखता है, क्या आप में यीशु दिखता है? आप कभी कभी कहते हैं कि मेरे परिवार में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पति में प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी में प्रॉब्लम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, अगर परमेश्वर का प्रेम हम में है, अगर परमेश्वर के प्रेम के सहारे हम जीवन जीते हैं, तो हम अपने घर में शांति और आनंद पा सकते हैं, शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, हालेलुया। रूथ ने महसूस किया और रूथ उस प्यार में पड़ती रही, परमेश्वर के प्यार में पड़ती रही। लेकिन क्या हुआ, अचानक उसके पति की डेथ हो गई। उसके पति की 10 साल तक उनका शादी का एक संबंध था, लेकिन 10 साल के बाद उसका पति उसको छोड़ के चला गया। लेकिन इधर पति चला गया, लेकिन बाइबल बताती है कि उसका प्रेम परमेश्वर में बढ़ा। उसने ये नहीं सोचा कि अरे यार, मुझे परमेश्वर ने दिया क्या है, पहले मेरे पति दिया है, उसके बाद जिस पति ने मुझे परमेश्वर से मिलाया वो पति चला गया,
और 10 साल में मुझे कोई संतान नहीं हुई, लेकिन रूथ का प्रेम बढ़ता गया। मेरे भाई परमेश्वर यही है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक वक्त ऐसा आया जब नयोमी ने रूथ से और ओरपा से कहा कि भाई अब बैतलहम में अकाल नहीं है और मुझे अपने पिता के घर जाना है, मुझे अपने परमेश्वर के घर जाना है, मुझे अपने घर वापस करना है, जाना है। तुम दोनों आजाद हो, ओरपा तुम और रूथ तुम अभी जवान हो, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल सकता है, तुम्हारे माँ बाप हैं, सब कुछ है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने है, तुम जाओ और आजाद हो। और मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे भविष्य में कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा प्रभु है, मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। और मैं अपने घर बैतलहम में जा रही हूँ और वहां जाके रहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये बात रूथ को पता लगी कि नयोमी हमसे जाने को कह रही है, मेरे भाई मेरी बहन, उस रूथ के अंदर इतना प्रेम था परमेश्वर का, और उस प्रेम ने ही बताया रूथ को कि ये औरत है या क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये अपने लिए नहीं सोच रही है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझे किसी सहारे की जरूरत है। ये हमारे लिए सोच रही है कि हम जाएं और अपना भविष्य देखें, जबकि उसका भविष्य था, रूथ का भविष्य था, उसके माँ बाप थे। इतिहास बताता है कि बहुत अच्छे खानदान से थी वो, अभी भी उसके माँ बाप जिंदा थे, अभी भी उसके माँ बाप उसकी शादी कर सकते थे, उसे अच्छा लड़का मिल सकता था। लेकिन रूथ को किसने रोका? नयोमी के पास परमेश्वर के प्रेम ने। कैसे? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को वो नयोमी में देख रही थी, उस नयोमी में देख रही थी कि नयोमी बूढ़ी हो गई थी, वो अपने लिए नहीं कुछ सोच रही है, वो सोच रही है तो रूथ के लिए, वो सोच रही है तो ओरपा के लिए कि मैं इनको क्या दे सकती हूं, मैं इनको कुछ नहीं दे सकती हूं, मेरे जीवन में क्या है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, रूथ ने उस प्रेम को समझ लिया और उस परमेश्वर के प्रेम को अपना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने, रूथ ने नयोमी से क्या कहा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ गई थी, वो परमेश्वर के प्रेम में जी रही थी, वो परमेश्वर के प्रेम में शक्ति पा रही थी। उसे एहसास हो गया था कि परमेश्वर का प्रेम ही है जो जीवन में आपको शक्ति देता है, परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपको हर परीक्षा में निकालता है, जो हर परीक्षा से आपको उभारता है, ये परमेश्वर का प्रेम ही है। उसे विश्वास था कि जब मैं नयोमी के साथ जाऊंगी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ होगा। क्या आपको विश्वास है कि हर स्थिति में, हर परीक्षा में, हर आजमाइश में परमेश्वर का प्रेम आपके साथ होगा? जिस दिन परमेश्वर का प्रेम आपके साथ होगा ना मेरे भाई मेरी बहन, कोई भी परीक्षा, कोई भी आजमाइश, कोई भी दुख, कोई भी बीमारी आपको डरा नहीं पाएगी। यस, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो हमें शक्ति देता है, जो हमें ताकत देता है, जो हमें अंधकार से निकालता है, जो हमारी ज्योति बन जाता है, वो है परमेश्वर का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रेम के साथ रूथ नयोमी के साथ बैतलहम में आई। अब बैतलहम में आ गई और बैतलहम में उसने क्या देखा? उसने देखा कि नयोमी के पास तो कुछ भी नहीं है जैसा उसने बताया था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो रूथ के साथ था, उस प्रेम ने उसे शक्ति दी और बुद्धि दी। उसे नहीं पता था, पढ़ी लिखी लड़की थी वो, रूथ पढ़ी लिखी थी, उसके पास आर्ट थी, लेकिन नहीं, वो निकल गई अपने घर से, निकल गई और सबसे निचला काम, एक खेत में चली गई वो। सबसे निचला काम क्या होता है? सिल्ला बिनना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था मेरे भाई मेरी बहन। उस प्रेम ने उसको दीन बनाया, नम्र बनाया, प्रेमी बनाया, और वो अपनी सास के लिए, अपनी मां के लिए सिल्ला बिनने लगी। सिल्ला जो कि गेहूं और जवार जो होती है ना खेती, उसका जो छिलका होता है, उसमें से जो छांट के चीजें बनती हैं, वो उसे सिल्ला कहते हैं। और वो जाकर जो छांटते हैं, जो सेवक होते हैं, जो मजदूर होते हैं खेतों में, उनके पीछे पीछे जाती थी, और जहां जहां वो छांट रहे थे, जब सिल्ला गिरता था, वो सिल्ला, सिल्ले को अपने आंचल में ले लेती थी। और क्या करती थी पता है? वो अपने घर, अपनी
नियोमी के पास आती थी अपनी माँ के पास और सबसे पहले अपनी माँ को खिलाती थी। हालेलुया, ये कौन कर सकता है? क्या नियोमी उसकी माँ थी? नहीं, नियोमी ने तो उसे आजाद किया था। रूथ के पास अपना भविष्य था, सुनहरा भविष्य, वो अच्छे खानदान से थी, उसको अच्छी शादी हो सकती थी, बच्चा हो सकता था, उसका भविष्य था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना सार्थक और इतना प्यारा होता है मेरे भाई मेरी बहन, कि परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर होता है ना, तो आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर सिर्फ एक ही एहसास होता है कि मैं परमेश्वर में बने रहूं। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की चरित्र, परमेश्वर की समानता, परमेश्वर का स्वरूप मुझ में बना रहे। हालेलुया। और वही रूथ ने जाना, और हुआ क्या? रूथ ने दीन बनकर, नम्र बनकर उस खेत में सेवा की, और वहीं परमेश्वर ने रूथ को बोआस से मिलवाया, और रूथ और बोआस एक हुए, और जिस खेत में वो सेवा करती थी उसी खेत की वो मालकिन हो गई। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपना बना लेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, हम परमेश्वर के प्रेम को रोज समझना चाहिए हमें को, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे रोज प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ जब कुछ मांगने जाते हैं तो ही परमेश्वर की ओर देखते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। दूसरा व्यक्ति अय्यूब, जिससे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। अय्यूब परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। ये अय्यूब की पुस्तक उत्पत्ति से भी पहले लिखी गई थी। हालेलुया। सबसे पहली पुस्तक, अगर बाइबल की कोई पुस्तक है इतिहासकार कहते हैं तो वो अय्यूब की पुस्तक है। हालेलुया। उसमें कहीं इज़राइल का जिक्र नहीं है, किसी देश का जिक्र नहीं है, अय्यूब का जिक्र है। और अय्यूब उस समय इतना प्रभु के प्रेम में था। हालेलुया। किस तरीके से वो जीता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बच्ची पढ़ेगी। हालेलुया। अय्यूब की किताब का पहला अध्याय, उसका पहला दूसरा तीसरा वचन पढ़िए बेटे। ऊंच देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वो निर्दोष, खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था। आमीन। कैसा परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? निर्दोष, खरा और भय मानने वाला। क्या ये तीनों गुण आप में हैं? ये तीनों गुण अगर आप में हैं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए बेटा। और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। आमीन। फिर उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल, 500 गधेया तथा बहुत से नौकर चाकर थे। चौथा पढ़िए। उसके पुत्र बारी बारी से एक दूसरे के घर जाया करते। ध्यान दीजिएगा इस वचन में, ध्यान दीजिए। हाँ बेटे पढ़िए। और भोज किया करते थे। तथा वे अपनी तीनों बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। आमीन। जब जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े तड़के उठकर उन सब की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, संभवतः मेरे पुत्र ने पाप किए हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या पिता था वो अय्यूब, जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी कि धरती पर एक ऐसा खरा इंसान है। परमेश्वर ने गवाही दी, परमेश्वर उसका गवाह था। अब सोचिए, देखिए मेरे भाई मेरी बहन, वचन हमें क्या बताता है, वो क्या करता था। आपकी जिम्मेदारी किसके लिए? आपके बच्चों के लिए। आपकी पत्नी के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं। अगर आपकी पत्नी मान लीजिए प्रभु में नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपका पति प्रभु में नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपके बच्चे अगर प्रभु में नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर आपसे आपके बच्चों के बारे में पूछेगा। आप देखिए यहां पर अय्यूब क्या करता था। जब भी उसके 7 लड़के और 3 लड़कियां खाने के लिए जाते थे, दूसरे घरों से आते थे, हालेलुया, वो उनको पवित्र करता था। कैसे पवित्र करता होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बात करता होगा? वो खाने के लिए ले गए थे ना, लेकिन उनको पवित्र करता था। उनको बताता होगा कि तुमने कहीं पाप तो नहीं किया,
उनसे बातें करता होगा, उनसे पूछता होगा कि तुमने कैसे बात किया, कैसे रात बिताई है, कैसे तुमने वहां जीवन बिताया है, कैसे खाना खाया है, कि कहीं उन बच्चों ने कोई गलत शब्द तो नहीं बोला, कहीं उन बच्चों ने कोई गलत विचार तो उनके मन में नहीं आया। और ये रोज करता था वो मेरे भाई, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था। वो रोज अपने बच्चों को निहारता था, पवित्र करता था, रोज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। क्या आप करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, क्या आप अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने बच्चों को रोज जांचते हैं? आज आपका बच्चा कहां गया? आज आपके बच्चे ने क्या किया? आज आपके बच्चे ने कहां खाना खाया? किस संगति में रहा आपका बच्चा? प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आती है कि जब बच्चे आते थे तो उनको पवित्र करता था, वो पिता था। उसने कभी अपने बच्चों से ये नहीं पूछा, भाई तुम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हो, कौन सी नौकरी कर रहे हो, कहाँ तुम काम करने वाले हो, क्यों काम के बारे विषय में तुम्हें कुछ पता है कि नहीं पता है, नौकरी बारे में पता है, पढ़ाई के बारे में तुम्हें कुछ पता है कि नहीं पता, कुछ नहीं पूछता था। उसका मकसद था अपने बच्चों को पवित्र करना। यही हमारा भी मकसद होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पवित्र करना है। जिस दिन आपका बच्चा पवित्रता के जीवन को जिएगा, पवित्रता का आशीष पाएगा, परमेश्वर की ज्योति उसके अंदर काम करेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, परमेश्वर उसे बताएगा, वो ज्योति उसे बताएगी, वो जीवन उसे बताएगा। क्योंकि पवित्रता ही है जो आपके मन में ज्ञान और समझ और बुद्धि और परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को लेकर आती है। इसलिए हमें उसी तरीके से जीना है। अय्यूब को परखने के लिए शैतान ने, हालेलुया, शैतान ने परमेश्वर से कहा कि मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि ले ले परीक्षा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो जानता था परमेश्वर कि वो खरा ही निकलेगा। इसलिए अध्याय अगर 23 पढ़े हम, अध्याय 23 अय्यूब का 23 का 10 11 12 अगर हम पढ़ेंगे तो आप देखिए परमेश्वर का प्रेम अय्यूब के अंदर इतना था कि वो क्या कहता है अपने बारे में। प्रेज द लॉर्ड, पढ़िए बेटा। परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है। हालेलुया। उसके दोस्तों ने कहा तुम जानते हो तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अगर बदन पर फफोले पड़े हैं, तुम्हारा अगर बिजनेस चला गया, तुम्हारे बच्चे अगर छीन लिए गए हैं, तो तुम्हें कुछ जरूर पाप होगा, तुमने कुछ गलत किया होगा। लेकिन आप देखिए अय्यूब सब कुछ गंवा चुका था, उसके शरीर पर फफोले थे, लेकिन फिर भी उसके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम था और वो प्रेम उसे बता रहा था कि मैं कौन हूं, मैंने कैसी चाल चली है। देखिए वो क्या कहती है, पढ़िए बेटा। जब वो मुझे परमेश्वर परख चुकेगा, वो कॉन्फिडेंस था, उसे विश्वास था कि मैं अय्यूब हूं, मैंने कोई गलत नहीं किया है। जब वो मुझे परख चुकेगा, आगे बेटा, मैं सोने के समान निकलूंगा। मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा आत्मविश्वास क्या हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कौन है? परमेश्वर। हमारे पास कौन है? यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। अय्यूब के पास ना तो बाइबल थी, ना पवित्र आत्मा थी, ना कोई पास्टर था। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, बाइबल है। क्या हम आत्मविश्वास कर सकते हैं? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि मैं सोने के समान निकलूंगा? उसके पास परमेश्वर का प्रेम था, वो परमेश्वर के प्रेम में जीता था, वो परमेश्वर के प्रेम में रहता था। मेरे भाई मेरी बहन, जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम को संभाले रहेंगे, आपको रोशनी मिलती रहेगी, आपको ज्ञान मिलता रहेगा, आपको समझ मिलती रहेगी। आप डर के साथ कभी नहीं जिएंगे, डर निकल जाएगा और शैतान आपके जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा, कभी काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। रोमियो 8 का 28 मेरी बच्ची पढ़ेगी, आप देखिए अंतिम वचन में आपके लिए पढ़ने वाला हूं। रोमियो 8 का 28 देखिए वो क्या कहता है, पढ़िए बेटा। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए वो सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन, आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया, उन सब के लिए वो भलाई को उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड।
कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन आप इस वचन को, कई लोग इस वचन को गलत समझते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में हर काम भलाई ही उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझते हैं अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मेरा धंधा अच्छा चलेगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारी भलाई किसमें करेगा कि परमेश्वर अपना स्वभाव हम में डालेगा। परमेश्वर का मकसद क्या है? आप किस भलाई को देख रहे हैं? परमेश्वर का मकसद है आपको यीशु की समानता में लाना, अपने पुत्र जैसा बनाना, अपनी समानता, अपना स्वरूप देना। लेकिन हम गलत मतलब समझते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि ये भलाई है। आप सोचिए अगर आपके अंदर परमेश्वर आपके अगर आपके अंदर यीशु का स्वरूप आ जाए, यीशु की समानता आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो आएगा और जब आप परीक्षा में पढ़ेंगे, जब आप किसी भी आजमाइश में होंगे, आप कहेंगे अय्यूब की तरह कि मैं जानता हूं कि मैं सोने के समान निकलूंगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा कोई भी आजमाइश मुझको हिला नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ है, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के प्रेम के लिए खोजी बनिए। रोज परमेश्वर के प्रेम को खोजिए अपने जीवन में, और मैं विश्वास करता हूं कि डे बाय डे आप परमेश्वर के प्रेम के नजदीक आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, और परमेश्वर का आशीष आपको मिलता जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन ने आपको एक शक्ति दी होगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन ने परमेश्वर के प्रेम से आपको मिलवाया होगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी परीक्षा, कोई भी आजमाइश में, कोई भी डर आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपने पा लिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा मेरे भाई मेरी बहन, तो प्लीज प्लीज लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना रिएक्शन लिखिए और दूसरों को शेयर करिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।